अस्सलाम गाइस, कैसे हैं सब लोग? हरे से वेलकम टू अनदर शॉर्ट व्लॉग। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं सब लोग? हरे से वेलकम टू अनदर शॉर्ट व्लॉग। ये शॉर्ट व्लॉग होगा हमारा। अभी हम एजेंसी एयरपोर्ट पे आए हैं हम लोग। एक्चुअली मेरी तैयारी नहीं थी पहले एयरपोर्ट पे आने की। वजह ये है कि हमारी जो फुफ्फो हैं और हमारे मोहसिन साहब और उनकी बहन जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे और आज तकरीबन 15 दिन के बाद उनकी वापसी है। तो हम लोग आए उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर। माले वगैरह ले लिए हमने एयरपोर्ट से ही और अभी वेटिंग में हम लोग वेट कर रहे हैं। फ़्लाइट उतर चुकी है, काफ़ी लोग बाहर आ चुके हैं लेकिन हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही बाहर आते हैं फिर उनसे मिलते हैं, उनको मलेशिया ले डालते हैं, रिसीव करते हैं और जनाब वो अपनी पाक धरती से होके आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं, दवाएं भी लेते हैं और फिर साथ उनको लेके चलते हैं वापस घर। आते हुए व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि पहले प्लान नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन अभी मैंने सोचा यार आ गए एयरपोर्ट पर तो आप लोग को दिखा ही दें कि एयरपोर्ट पर आने की वजह असल में क्या थी। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने गुलदस्ता पकड़ा हुआ है, वो एयरपोर्ट से लिया भाई, बड़े महंगे। अगर आप लोग एयरपोर्ट पर आएँ किसी को रिसीव करने के लिए तो कोशिश करें कि अपने जो लोकल आपका एरिया है वहाँ से आप लोग जो है वो माला वगैरह या गुलदस्ते वगैरह लेके आएँ। यहाँ से बहुत महंगे मिलते हैं भाई, ठीक है। सो इसका फ़ायदा कोई नहीं होता, बस 2 मिनट डालते हैं फिर ज़ाया हो जाते हैं। सो लेट्स वेट, अभी इंतज़ार करते हैं और शायद अब आने वाले होंगे क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था उनके पास। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा बैक कैमरे से मैं व्यू करवाता हूँ, आप भी व्यू करें। एयरपोर्ट पर काफ़ी जो है रौनक मेला होता है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आने का एक यही फ़ायदा हो गया आपको, मतलब हर तरफ बंदे ही बंदे नज़र आते हैं भाई। यूके से तो जब हम लोग आते हैं तो समझ लें बस एक बंदा आता है छोड़ने के लिए और वो भी बाहर छोड़ के पार्किंग में चला जाता है वापस। लेकिन यहाँ पे देखें ख़ानदानों के ख़ानदान एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। ये देखें कितना आता जो कवर किया हुआ एयरपोर्ट ने। और अजान साहब ने जनाब ये लिया, अजान साहब बड़ा महंगा मिल रहा है एयरपोर्ट पर वैसे। फ़ोन लगे आप सो गाइस, आप लोग जब आए ना तो ये चीज़ें बाहर से लेके आए यार, एक तो सस्ती मिलती हैं और एक अच्छी मिलती है, फ्रेश मिलती है। यहाँ पे आई थिंक ये देखें मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मजबूरी है भाई लेना पड़ेगा। अब ये ना लेंगे तो मतलब रस्म जो है वो अधूरी रह जाती है। ठीक है जी, अजान साहब क्या हाल है? बाहर से लेकर, बाहर से लेके आए तो अच्छा है। बाहर 300 का, इधर 1800 का। इधर 1800 का, हाँ जी, मतलब 3 गुना ज़्यादा रेट। अब ये देखें सब लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, सऊदीया की फ़्लाइट जो आ चुकी है और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। कितना ज़बरदस्त माहौल है, कितना अच्छा व्यू है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे मिलेगा भाई। एयरपोर्ट पे इतना रश, या पाकिस्तान या फिर इंडिया में मिलेगा आपको। ये देखें एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सफाई का काफ़ी ख्याल रखा हुआ। ये जनाब आ गए हमारे पुप्पी और मोहसिन साहब, ये आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँचे हैं। सो गाइस, मोहसिन साहब पहुँचे उमरा करके, खैर सर ने दुआ की थी सारे। सो गाइस, मोहसिन साहब पहुँचे उमरा करके, खैर सर ने दुआ की थी सारे, स्पेशल दुआ की थी। मोहसिन साहब की नाम माला है लासा भाई और रिसीव करके ना उड़ा से जा रहे हैं गड्डी छे नहीं जनाब नीली। अजान साहब सामान लोड कर रहे हैं जनाब गाड़ी में और मोहसिन सफर थोड़ा कैसा रहा माशाल्लाह? जबरदस्त, पता नहीं लगा सफर है। अश्ने नहाते हो जा सही है कोनी? नहीं नहाता है सब। हला हो जो नाड़ी को तो पानी को गर्म से हला बहुत गर्म से। तब पहले ठीक रह जाता ना, बड़ा स्पीड मारी है सी, बड़ी स्पीड मारी है सर। नया जिला वाला ब्रांड है यार ना जी, चौथे जी बैलेंस की जटवेड़ होने ने चौथे जी बैलेंस की ना जी। मैं चलो जी सामान अब इनको रखाएं गाड़ी में, बाकी बातें बाद में होती है। जितनी लाइटें एयरपोर्ट पर लाई है अद्धा शहर है बिजली बली है नहीं पता है। सेफ हो गए हैं